चलो इस क्वेश्चन को देखो। प्रोसेस आईडी दे रखी है आपको, अराइवल टाइम दे रखा है, बर्स्ट टाइम दे रखा है, प्रायोरिटी दे रखी है। सेवन हम हाईएस्ट प्रायोरिटी मानते हैं और थ्री यहाँ पर आपकी लिस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। जब टाइम जीरो था तो जीरो में देखो कौन कौन सी प्रोसेस आपकी रेडी स्टेट में आई है। कोई भी प्रोसेस आपकी यहाँ पर है देखो जीरो में नहीं आई है, तो सीपीयू क्या कर रहेगा उस टाइम में? आइडल। वन पे देखो कौन सी प्रोसेस आई है, वन पे सिर्फ एक प्रोसेस आई है आपकी P5, ठीक है। तो इसको मैं एलोकेट कर दूंगा सीपीयू। कब तक चलेगी ये? जब तक इसका बस टाइम कंप्लीट ना हो जाए, टू तक। अब देखो कि ये प्रोसेस तो चलो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, टू पे देखो और कौन कौन सी प्रोसेस आई है। टू पे आपकी दो प्रोसेस आई है ना, एक तो आई है P4 और एक आई है आपकी P6। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखना है? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? P4 की। उसमें देर का सर रूम नंबर 3 देखो, ये आपकी जो P4 है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो मैं उसको डील करूंगा पहले। कब तक चलेगी ये? इसका फर्स्ट टाइम देखो, ये भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो फोर्थ तक और कौन कौन सी प्रोसेस है जो आपकी रेडी स्टेट में है। फोर्थ तक आपकी एक तो P3 है, P3, P6 P3 और P6 हो गई, और आपकी P1। अब इनमें से प्रायोरिटी देखो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? P3 की प्रायोरिटी देखो 6 और P6 इसकी प्रायोरिटी देखो 3, P1 इसकी प्रायोरिटी है 4। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? P3 की। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा कब तक? इसके बस टाइम तक। ये भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब एट तक आपकी P2 भी आपकी रेडी स्टेट में आ चुकी है, तो अब आपके पास टोटल हो गई P1, P2 और P6। अब इन तीनों में देखो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? P2 की। तो मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा P2 को कब तक? इसके फर्स्ट टाइम तक। ये भी अब कंप्लीट हो चुकी है। अब बचती है आपके पास सिर्फ दो प्रोसेस, उनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? P1 की। इसको एग्जीक्यूट कराया मैंने इसके फर्स्ट टाइम तक। और अब रिमेनिंग प्रोसेस P6, इसके फर्स्ट टाइम तक इसको एग्जीक्यूट कराया। सभी को क्लियर रही है? इसके बाद इसका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो। रिस्पॉन्स टाइम निकालना होगा, रिस्पॉन्स टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी।
आप देखते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, लेकिन प्रीएम्प्टिव। अभी हमने क्या किया था, ये नॉन प्रीएम्प्टिव, अब हम प्रीएम्प्टिव देखेंगे। तो फिर क्राइटेरिया आपको ड्यून मिलेगा कि भाई ये आपका जो एल्गोरिथम है वो प्रीएम्प्टिव है। आपको प्रोसेस आईडी गिवन है और आपको अराइवल टाइम गिवन है। बर्स्ट टाइम गिवन है। और इनकी प्रायोरिटी क्यों है? तो बीच में प्रोसेस को रोक सकते हैं अगर इन केस कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है तो। ठीक है, अब देखो टाइम जब जीरो है, अरे टाइम देखो सभी प्रोसेस का, कौन सी प्रोसेस जीरो पे आई है? और भी प्रोसेस नहीं आई है जीरो पे, तो सीपीयू क्या करेगा, आइडल बैठेगा, कोई काम नहीं कर रहा, बिल्कुल खाली। जब टाइम वन हो गया तो कौन सी प्रोसेस आई आपकी रेडी स्टेट में? सिर्फ एक प्रोसेस आई है, P1। P1 आई है तो हम इसको सीपीयू को एलोकेट कर देंगे और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा 2 तक। इसका बस टाइम रिमेनिंग कितना है, 3, क्योंकि एक टाइम हमने इसका एग्जीक्यूट कर दिया। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी यहाँ पर 1 है और लिस्ट प्रायोरिटी आपकी 4 है। ठीक है, अब 2 पे देखो कौन कौन सी प्रोसेसेस आपकी रेडी स्टेट में है। P1 तो है ही, P2 और P3। अब मैं इसमें से क्या करूंगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अराइवल टाइम पे देखो दो प्रोसेसेस का सेम है, P2 और P3 का, लेकिन मैं एग्जीक्यूट किसको करूंगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। P1 की प्रायोरिटी आपकी 4 है, P2 की प्रायोरिटी आपकी 5 है और P3 की प्रायोरिटी 7 है, 7 प्रायोरिटी ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, P3 को एलोकेट कर दूंगा सीपीयू। इसको मैंने एग्जीक्यूट कराया 3 तक। ठीक है, उसका रिमेनिंग टाइम कितना बचा, 2। अब 3 तक देखो कौन कौन सी प्रोसेसेस आ चुकी हैं। अब P1 है, P2 है, P3 है और P4 एंड P5 भी है ना। हम एग्जीक्यूट किसको करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इन सब में P5 तक देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, P4 की, तो मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा P4 को 4 तक। इसका रिमेनिंग कितना बचा, 4। अब 4 तक देखो और कौन सी प्रोसेस है जो आपकी रेडी स्टेट में आ चुकी है। अब आपकी हो चुकी है P1, P2, P3, P4, P5 और P6, मतलब सारी प्रोसेसेस आपकी रेडी स्टेट में तैयार बैठी है भाई, मेरे को बुला लो, मेरे को बुला लो। लेकिन हम एग्जीक्यूट किसको कराएंगे, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, P4 की है, 8 है ना, तो मैं P4 को ही कंटिन्यू करूंगा। कब तक, इसके बर्स्ट टाइम तक, 8 तक। ये टाइम बच गया, मैंने टाइम इसका 0, 8 पे ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गई आपकी कंप्लीट। अब देखो जो बची हुई प्रोसेसेस हैं उनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, P3 की, तो मैं P3 को एग्जीक्यूट कराऊंगा। उसके फर्स्ट टाइम तक, फर्स्ट टाइम कितना बचा हुआ, 2, 10 तक है ना, तो ये चली आपकी 10 तक। अब ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी कौन कौन सी प्रोसेस बची, P1, P2, P5 एंड P6, हाईएस्ट प्रायोरिटी चेक करो किसकी है, P6 की है। ठीक
सीपीयू के पास ले आओ। बस टाइम कितना इसका? 2। ये चलेगी कब तक? 12 तक। ये भी कंप्लीट। अब बची कौन कौन? P1, P2 एंड P5। प्रायोरिटी चेक करो, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? P2 की और P5 की दोनों प्रायोरिटी सेम है। सेम है तो हम किसको एग्जीक्यूट कराएंगे? फटाफट बताओ मुझे। P2 और P5 प्रायोरिटी दोनों की सेम है, मैं किसको एग्जीक्यूट कराऊं? बस जब प्रायोरिटी सेम है तो दूसरा पैरामीटर कौन सा था अपना कंसीडरेशन में? अराइवल टाइम। अराइवल टाइम जिसका पहले होगा उसको पहले एग्जीक्यूट कराओ। अगर अराइवल टाइम भी सेम है तो फिर किसको? फिर प्रोसेस आईडी को। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूट किसको कराएंगे हम? P2 को, इसके बर्स्ट टाइम तक। ठीक है, और ये कंप्लीट हो चुकी है अब आपकी 14 पे। अब बची कौन कौन? P1 एंड P5। वही प्रायोरिटी चेक करो दोबारा, P5 की ज्यादा है तो मैं P5 को CPU एलोकेट कर दूंगा। कब तक? इसके फर्स्ट टाइम तक। और ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। अब एक ही प्रोसेस बचती है आपकी रेडी स्टेट में P1, और इसको एग्जीक्यूट करा दो इसके फर्स्ट टाइम तक। टर्न अराउंड टाइम निकालो इसका। वेटिंग टाइम निकाल लो, टर्न अराउंड माइनस बस टाइम। टोटल कर लो। कितना हुआ? अब टोटल वेटिंग टाइम कर लो। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, एवरेज वेटिंग टाइम, टोटल वेटिंग टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ये आपका निकल आएगा। किसी को कोई डाउट? कर लोगे कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो? चलो मैं थोड़ा क्वेश्चन घुमा देता हूँ, यूनिवर्सिटी वगैरह में इस टाइप का नहीं आएगा लेकिन गेट नेट में आ जाते हैं। प्रोसेस नंबर गिवन आपको, कॉलेज कब से शुरू हो रहे हैं? क्लास तो चल रही है अपनी, ठीक है घर बैठो, क्लास चलेगी आपकी।
इसके बारे में मुझे भी अभी नॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट कब से चालू करेगी। ये आपका बस टाइम है, ये क्वेश्चन आपको ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ मोस्टली बच्चे कर लेंगे इसको। बहुत टाइम लगा दिया आपने सीपीयू शेड्यूलिंग पे। ये देखिए एग्जांपल करके आगे चलना चाहिए था, ये सोचिए कि चलो आगे काम आएंगे ये टॉपिक, गलती होनी नहीं चाहिए किसी की। देखो तीन प्रोसेस है आपके पास, P1 P2 P3। प्रायोरिटी गिवन है, मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी मान लेता हूँ, वन को गिवन है, लिस्ट प्रायोरिटी क्या होगी उस हिसाब से। थ्री क्वेश्चन में गिवन मिलेगा कि भाई कम नंबर हाई प्रायोरिटी है, हाई नंबर हाई प्रायोरिटी है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये वन है जो आपका, ये हाईएस्ट है। अगर वन हाईएस्ट होगा तो क्या होगा, टू उससे कम होगा, थ्री उससे कम होगा, फोर उससे कम होगा, इस टाइप से, है ना। तीन प्रोसेसिज है, अराइवल टाइम दे रखा है, बर्स्ट टाइम में क्या है, पहले सीपीयू का टाइम ले रहा प्रोसेस, फिर इनपुट आउटपुट काम करेगी कुछ, फिर उसके बाद सीपीयू टाइम चाहिए उसको, है ना। तो जब टाइम जीरो था कौन सी प्रोसेस आएगी बताओ, साथ में करते हैं इस क्वेश्चन को। P1 क्योंकि अराइवल टाइम इसी का जीरो है, तब तक कब तक रहेगी ये वन तक। ठीक है, ये वन तक कर दी, इसका सीपीयू टाइम कितना बचा, जीरो। अब मैं किसको एग्जीक्यूट कराऊं, सीपीयू के पास अब कौन सी प्रोसेस आएगी। सही बात है, नो प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन, कोई भी जीरो वन पे नहीं आई है। ठीक है, इतने क्या करेगी, ये अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इसका कितना बचा, फोर। सीपीयू खाली है टू तक, अब टू पे आ गई आपकी P2, कब तक, थ्री तक, इसका रिमेनिंग कितना बचा एक्चुअली फर्स्ट टाइम टू। इतने ये क्या कर लेगी, अपना एक और कम कर लेगी इनपुट आउटपुट टाइम। ठीक है, अब थ्री पे देखो और कौन सी प्रोसेस आई है, P3 भी आ चुकी है भाई, P2 P3 दोनों तैयार है अपने एग्जीक्यूट करवाने के लिए यहाँ पर। लेकिन मैं एग्जीक्यूट किसको कराऊंगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, P2 और P3, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, P3 की, तो मैं P3 को एलोकेट कर दूंगा फोर तक। इसका बचा कितना, वन। यहाँ पे इसने अपना इनपुट आउटपुट टाइम एक और कम कर लिया, तो इनपुट आउटपुट तो आपका पैरेलल में चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फोर पे और तो कोई प्रोसेस आई नहीं थी, नई प्रोसेस, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, P3 को हम कंटिन्यू रखेंगे, इसका रिमेनिंग बस टाइम कितना है, जीरो होगा। तो
तक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसने अपना इनपुट आउटपुट एक और कम कर दिया। अब देखो, अब मैं किसको एग्जिट कराऊंगा बताओ। P2 को, क्योंकि CPU की डिमांड वही कर रही है, बस P2 की डिमांड कर रही है, और कोई डिमांड कर रही नहीं रही। P1 है, उसने अपना इनपुट आउटपुट कंप्लीट करना अभी, और P3 है, उसने भी अपना इनपुट आउटपुट शुरू करना है। अब तो P2 है जो अपना ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी 6 तक। अब इसका इनपुट आउटपुट टाइम कितना बचा, 0, और इसने भी अपना एक कंप्लीट कर लिया है ना, पैरेलल चलेगा इनपुट आउटपुट। तो अब यहां पर देखो, दो प्रोसेस है, P1 और P2। P1 को एग्जीक्यूट के लिए 3 यूनिट चाहिए टाइम, P2 है उसको 1 यूनिट का टाइम बचा हुआ उसका एग्जीक्यूशन के लिए, और P3 है उसने अपना इनपुट आउटपुट कंप्लीट करना है। मैं किसको शुरू करवाऊंगा, P1 को या P2 को? P1 को, क्योंकि प्रायोरिटी को देखेंगे हम, P1 की प्रायोरिटी 2 है और P2 की प्रायोरिटी 3 है, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी हम उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। अब कितनी देर तक मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, एट तक, मतलब 2 यूनिट टाइम। और यहां पर इसने इतने क्या कर लिया अपना, जो इनपुट आउटपुट टाइम था वो कंप्लीट कर दिया। ये 0 नहीं है, ये 1 कर लो, क्योंकि अगर 0 है तो उसको सीपीयू की जरूरत नहीं होगी, उसको 1 कर लो, ठीक है। एट तक ये चल पड़ी, ये 1 होगा, क्योंकि 2 यूनिट टाइम चलिए तो ये 1 बचेगा। अब देखो, अब आपके पास 3 प्रोसेस है जिनको इनपुट आउटपुट करना है, P1, P2, P3, ठीक है। मैं किसको एग्जीक्यूट कराऊंगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, P3 की, ठीक है, 9 तक। और इसके बाद ये कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं किसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, P1, P2 दो बचती है, P1 को प्रायोरिटी के बेस पे, ये हो गया आपका 0 और ये चलेगी 10 तक। और अब एक ही प्रोसेस बचती है जिसको सीपीयू का टाइम चाहिए, क्योंकि P1 है वो कंप्लीट हो चुकी है, P3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, P2 बचती है। P2 चली कब तक, 11 तक। अब इसको क्या करना है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अगर इनपुट आउटपुट करेगी तो सीपीयू क्या है, खाली बैठेगा, 14 तक खाली रहेगा, क्योंकि 3 यूनिट टाइम है ना, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा सीपीयू को एलोकेट कर देंगे हम P2 को, और ये 15 पे कंप्लीट हो जाएगी, सभी को क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कंप्लीशन टाइम देख लो, P1 का हो गया आपका 10, P2 का हो गया आपका 15, P3 9, टर्न अराउंड टाइम
निकाल लो इसी तरीके से। अब और जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उसमें बस टाइम निकालोगे ना, सॉरी वेटिंग टाइम, तो उसमें ये तीनों चीज ऐड होगी बर्स्ट टाइम में। उसको सीपीयू टाइम भी चाहिए, उसको इनपुट आउटपुट टाइम भी चाहिए। तो जैसे टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ इसका, 10 माइनस 0 10, 15 माइनस 2 13, और 9 माइनस 3 6। वेटिंग टाइम जब निकालोगे तो बर्स्ट टाइम इन तीनों का एडिशन होगा इसका, तो ये क्या होगा करो कैलकुलेट। राउंड रोबिन में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कैसे करें, उसमें तो जुड़ती नहीं है, उसमें तो क्यू मेंटेन होती है। तो जिस ऑर्डर में आप जाएंगे उससे पीछे लगती जाएगी, और उसी ऑर्डर में आपको उसको एग्जीक्यूट करवाना है, उसमें क्या दिक्कत है। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जब देखना पड़ेगा। मैं आपका ये क्वेश्चन ठीक समझ रहा हूँ तो उसमें तो ये चीज आती ही नहीं, उसमें तो जितनी प्रोसेस आएगी वो आपको रेडी क्यू में मेंटेन होती जाएगी, और रेडी क्यू में से जो भी स्टॉक में है उसको उठाते जाओ, एग्जिट करते जाओ। अगर क्वेश्चन कुछ और है तो दोबारा पूछो, मुझे क्लियर नहीं है। ओके, तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्लियर है सबको? बोलने नहीं चाहिए, 2 4 साल बाद भी ये चीज इतने एग्जाम्पल करवा दिए है। गेट नेट में अगर कोई क्वेश्चन भी आ गया ना, इन न्यूमेरिकल से बाहर नहीं आएगा जितने करवाए हैं। कंसेप्ट ये होगा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है आपकी। चलो फिर मैं क्लास एंड करता हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।